ये मौसम आते ही घर में पालक का आना शुरू हो जाता है, लेकिन आज पालक की एक ऐसी रेसिपी बना के तैयार करेंगे जो इस मौसम के लिए खास तो है ही, इसका स्वाद भी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और बेहतरीन है। और कभी भी आज से पहले पालक को आपने इस तरीके से बना के तैयार शायद ना करा हो। तो चलिए आइए देखते हैं पालक की इस नई रेसिपी को कैसे तैयार करना है। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हमने एक पालक का बड़ा गुच्छा ले लिया है, और पत्ते बड़े बड़े हों इस पालक के उतनी ही ज़्यादा बढ़िया बनके तैयार होगी, फ्रेश रहेगी। जितनी ज़्यादा हरी हो उतना बढ़िया मज़ा आने वाला है। तो आपको क्या करना है, पत्तों की डंठल को हटा लेना है और इसमें बस पालक का ही इस्तेमाल करना है। डंठल हटा के सारी की सारी पालक हम ऐसे करके इसको छोटी छोटी चॉप कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए इसको चॉप करना शुरू करते हैं और पतला पतला काट लेते हैं। आपको सारी की सारी पालक को डंठल हटाने के बाद पतला का पतला काट लेना होगा, और जैसे ही आप इसे पतला पतला काट लेंगे आपको इसे वॉश कर लेना होगा। तो चलिए झटपट बिना देरी करें इसको चॉप कर लेते हैं। डंठल इसलिए नहीं, इस रेसिपी में उतना स्वाद नहीं आ पाता, इसलिए हमने निकाला है। तो सारी की सारी पालक को हमें चॉप कर लेना है। लगभग हमने आज 1 किलो के आसपास पालक का गुच्छा लिया था, जिसमें से मुझे लगता है आधा गंद निकल जाएगा और आधा किलो ही पालक हमारे पास रह जाएगी। तो ये हमने एक ऐसे बर्तन में डालना है जहां हम इसे आसानी से धो भी सकें, क्योंकि पालक में मिट्टी होती है और इसको अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी है ताकि स्वाद में बिल्कुल भी किरकिरापन ना आए। तो सारी की सारी पालक अब दोस्तों हमने डाल ली है, और अब इस पालक को झटपट हम धो लेते हैं। धोने के बाद हमने क्या करना है, इसमें से कुछ पालक को बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं ये हमने ऐसा छलनी ले ली है जहाँ पे छेद हैं और नीचे पानी निकल जाएगा धोने के बाद, और आप देखेंगे कितनी गंदगी होती है, इसलिए धोना ज़रूरी भी होता है। तो चलिए पालक को अब अच्छे से धो लिया है, और 2-3 बार धोइएगा, एक बार नहीं, ताकि पूरा अच्छे से गंदगी निकल सके। तो अब ये जो एक्सेस पानी है, गंदा पानी हो चुका है, इसको हम अलग करके निकाल लेते हैं और दोबारा से धो के अब हमें फाइनल एकदम साफ़ सुथरी पालक आपको दिखा देते हैं। देखिए पानी कितना गंदा था। तो हमने पालक को 3-4 बार धो लिया है, अब इसे फटाफट से कुकर में डाल लेते हैं। सारी की सारी पालक कुकर में डालने के बाद हम कुछ पालक अलग से निकाल लेंगे जिसका हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी सारी पालक चली गई है अब हमारे कुकर में। हम इसमें डालेंगे कुछ सामग्री, लेकिन सबसे पहले कुछ अलग करके रख ली कटोरी में, ये देखिए। अब दोस्तों इसमें सामग्री डालनी है, तो सबसे पहले हम डालते हैं 2 साबुत लाल मिर्ची, थोड़े से हमने डालने हैं काजू, 1 हरी मिर्ची और थोड़ी कटी हुई अदरक। और अब थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दिला लेते हैं लगभग 2 सीटी। ज़्यादा सीटी की ज़रूरत नहीं है, 2 ही सीटी में पालक अच्छे से नरम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, और ये जो पालक हमने बचाई थी इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो ये सीटी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, गैस को थोड़ी देर के बाद बंद करने के बाद 2 सीटी के बाद खोल लिया है, और इस पालक को आप ठंडा होने साइड में छोड़ दीजिए। साइड में हमने कढ़ाई ले ली है, वो पालक ठंडे होने छोड़ दी है। इस कढ़ाई में हमने डाला थोड़ा सा देसी घी। देसी घी में रेसिपी बनाएंगे तो इसका स्वाद दुगना होगा, गारंटेड है। थोड़ा सा डाल दीजिए जीरा अपने स्वाद अनुसार, और डाल दीजिए थोड़ा सा हींग, इसमें हींग का बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा रेसिपी में। 1 लहसुन, 4-5 फाड़ियाँ निकली हुई कटा हुआ, और लगभग 1 प्याज। इसको आप भून लीजिए अच्छे से, लाल होने दीजिए, एकदम भूरा मत होने दीजिएगा, बट हाँ थोड़ा सा लाल होने दीजिए। तो ये आपकी देख सकते हैं कैसे अच्छे से भुनी जा चुकी है। अब आप क्या कीजिए, इसको भूनते भूनते थोड़ी देर में कुछ सामग्री इसमें और ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा टमाटर डालेंगे, टमाटर भी हमने अच्छे से भूनना होगा, लेकिन प्याज अभी हमारा भूना जा चुका है तो हम टमाटर डाल लेते हैं। ये लीजिए अच्छे से इसे भी भून लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी इस वक्त हरी मिर्च कटी हुई डाल सकते हैं, और अगर तीखा ज़्यादा नहीं पसंद तो रहने दीजिए। 1 कटोरी पालक जो हमने बचा के रखी थी वो हमने इसमें डाल दी है, ये देख सकते हैं आप, कटी हुई पालक है और ये अच्छा स्वाद देगी। अब क्या है दोस्तों, हम जो आज पालक बना रहे हैं उसमें जो पालक हमने कुकर में निकाली थी वो तो हम पूरी पीस लेंगे, और ये हमने ऐसे कटोरी में रखी थी थोड़े बड़े पीस, ताकि ये कुरकुरी हमारे मुंह में आए, तो इससे क्या है एक्स्ट्रा मज़ा आ जाता है। अब सामग्री को थोड़ा सा साइड करके हमने बीच में मक्खन डालना है, और मक्खन के ऊपर हम मसाले डालेंगे। मक्खन में मसालों को पकाना है, मसाले आप अपने स्वाद अनुसार रख लीजिए, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर,
और धनिया पाउडर के साथ साथ थोड़ी हल्दी भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये आप अच्छे से घी के मक्खन में भुनने दीजिए इन्हें। अब इसी के ऊपर, मसाले के ऊपर डालिए दही और इसको अच्छे से इसी के साथ पकाएं एक दो मिनट, और उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो चलिए दही ऐड कर लेता हूँ मैं, लगभग आधी कटोरी दही भी है इसमें ऐड करने के लिए। अब इन मसालों को बटर के साथ और दही के साथ ऐसे पकने दीजिए और फिर थोड़ी देर में सारा मिक्स कर दीजिए। अब आपको इसको लगभग 3 से 4 मिनट पकाना होगा। ये पक जाएगा, वहाँ दूसरी तरफ जो पालक हमने कुकर में बॉयल करी थी वो थोड़ी ठंडी हो गई होगी, तो उसकी तरफ बढ़ेंगे। पहले इसको अच्छा सा पका लेते हैं। अगर आपको लगे थोड़े से पानी की ज़रूरत है तो हल्का सा आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पालक का तड़का बन के तैयार हो चुका है, जिसमें हमने पालक बड़े बड़े रखे थे तो क्रिस्पी थी। अभी हम आखिरी में एक स्पेशल चीज़ डालेंगे जो इस रेसिपी को बहुत ही बढ़िया बना देगी। तो चलिए सबसे पहले इसको चला लेते हैं, घुमा लेते हैं। ये अच्छे से पक चुकी है ग्रेवी, एकदम सेम आंच पे पका रहे हैं ताकि इसमें कच्चापन ना रहे और जो मसाले हमने दही में पकाए थे वो अच्छे से पक जाएं, और ढक के थोड़ी देर इसे पकने दीजिए। ये हमारी पालक ठंडी हो चुकी है तो इसे एक मिक्सी के जार में ले लेते हैं। इसमें साथ में काजू और लाल मिर्ची थी वो भी साथ निकाल लेंगे और अदरक भी। इसको फटाफट पीस के हमें कुछ इस तरीके से हमें मिल गई है, वहाँ दूसरी तरफ वो भी पक के तैयार है। तो चलिए इसमें डाल लेते हैं सामग्री सारी। ये तड़का बन के तैयार है और वहाँ हमारी पालक तैयार है। इसमें हम दोस्तों एंड में कॉर्न्स भी डालेंगे और इसको ढक के 2-1 मिनट अभी और भी पकाएंगे और थोड़ा सा देसी घी और भी डालेंगे ताकि ये पूरा ऑथेंटिक पालक का सीजनल स्वाद आ जाए। दोस्तों इस मौसम के लिए ये सब्जी राजा है, आप 2 की जगह 3 रोटी भी खा जाए शायद, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। ये रेसिपी लगभग तैयार है, अब बस हमें इसको ढक के 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेना होगा ताकि सारे मसाले अच्छे से पालक में पक सकें और स्वाद पूरा का पूरा आ सके। तो चलिए अब इसे मैं पका लेता हूँ थोड़ी सी देर। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों, साथ ही में कॉर्न्स अगर आपके पास उबले हुए रखे हों तो अच्छा है, उबले हुए ना हो तो इसके साथ अभी डाल दीजिए, और अगर उबले हों तो वो एंड में डाल दीजिएगा। अभी डालने का फ़ायदा है, थोड़ा हम इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट तो कॉर्न्स भी पक जाएंगे। और अगर आपके कॉर्न्स पहले से उबले हुए हैं और पके हुए हैं, वैसे प्रेफर उबले हुए ही करिएगा, उसका अच्छा स्वाद आता है, तो अलग अलग पक जाएंगे। तो ये उबले हुए कॉर्न्स थे, हमने डाल दिए 2-3 मिनट पकाने के बाद, और ये आपकी पालक कॉर्न्स की रेसिपी तैयार है। लहसुनी भी है और मज़ेदार भी है, मसाले भी अच्छे हैं, मक्खन में पकाया है, घी में तड़का लगा है, तो आपको यकीन मानिए इसका बेहद ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं चलता हूँ, कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो से जुड़ने के लिए।